Hey guys, how to fix cannot send message with sim 1 error 0. तो कैसे ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. जब भी मैं मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा रहा है कैनॉट सेंड मैसेज विद सिम 1 एरर 0. तो कैसे इसको मैंने सॉल्व करा वो मैं आपको बताऊंगा. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हमें अपने जो मैसेज ऐप है उसको ओपन कर लेना है. जैसे इसको ऐप को ओपन करूंगा, यहाँ पे टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स दिखेंगे, इन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा. सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन शो होंगे. नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हेल्प टू इम्प्रूव मैसेज का. तो इसको ओपन कर देना और इसको इनेबल कर देना है. इससे आपके मैसेज है अगर वो सेंड नहीं हो रहे इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. पर इसके बाद भी कुछ फीचर सेटिंग वो हमें करनी पड़ेगी. एडवांस में चले जाना है. एडवांस वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में हेल्प टू इम्प्रूव मैसेज के ऊपर. इस वाले फीचर पे क्लिक कर देना है. यहाँ पे ऑटो डाउनलोड MMS का जो ये फीचर है इसको इनेबल कर देना है. ऑटो डाउनलोड MMS व्हेन रोमिंग इसको भी इनेबल कर देना है. और ये सब इनेबल करने के साथ साथ हमें कुछ और सेटिंग है वो भी करनी पड़ेगी. तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप मैसेज का. तो ग्रुप मैसेज में यहाँ पे लिखा रहा है सेंड एन SMS टू ऑल रेसिपेंट्स. तो इसको इनेबल कर देना है. इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है. इसके बाद फिर से यहाँ से बैक आ जाना है. बैक आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिखेंगे. तो यहाँ पे हमें स्पैम प्रोटेक्शन है उसको इनेबल कर देना है. और स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल करने से और यहाँ पे योर कंट्री करंट कंट्री ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए इन्होंने. तो ये सब करने के साथ साथ इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो चैट फीचर में आने के बाद जो मैंने ये फीचर इनेबल किए, इनेबल चैट फीचर, सेंड रेसिपिएंट्स, शो टाइपिंग इंडिकेटर, इनको इनेबल कर दे रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व.